करत होता घरी बसून तो खरच आजार होता का क्या ते सगळं नाटक होतं ते आता कधीतरी बाहेर काढण्याची वेळ आलेली आहे ज्याचा उल्लेख सुनील तटकरे साहेबांनी पण केलाय त्या तो राजकीय आजार होता खरंच त्यांच्या मानेचं काय एवढं गंभीर होता कारण का वर्षा सोडत असताना वर्षातून निघताना गळ्यावर पट्टा नव्हता पण मातोश्रीवर पोचल्यावर गळ्याचा पट्टा आला आणि सत्ता गेल्यावर कसे तुरतुर तुरतुर तुर चालायला लागलाय माणूस म्हणजे हे सगळी नाटकं होती घरी बसण्याची म्हणून दुसऱ्यांवर आरोप करण्याचा नैतिक अधिकार या उद्धव ठाकरे किंवा त्याच्या उभाट्याच्या दुसऱ्या नेत्यांना आहे का आणि उद्धव ठाकरे अगर खरंच एवढा आजार होता तर त्याचे मेडिकल रिपोर्ट दाखवावे आम्हाला पण बघू किती गंभीर आजार होता हे सगळं खोटाळेपणा होता. उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत युती केलेले प्रकाश आंबेडकर यांनी आता परवाच्या दिवशीच एका सभेमध्ये टिपू सुलतानच्या प्रतिमेला हार घातलाय त्यावरून आता त्यांच्यावर टीका होतीये. मात्र ते म्हणतात मला कोणीतरी आव्हान दिलं होतं त्यामुळे मी टिपू सुलतानच्या प्रतिमेला हार घातला. कसं पाहता या कधी प्रकाश आंबेडकर जीने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे इस्लाम बद्दलचे मत आणि विचार वाचावे असं मी त्यांना विनंती करेन किंवा सल्ला देईन किंवा नसेल ना तर मी एक पुस्तक पाठवीन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दृष्टिकोनातून इस्लाम चा काय अर्थ होता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे काय विचार होते ह्या ते वाचल्यानंतर टिपू सुलतानच्या अवतीभोवती पण जाण्याची हिंमत प्रकाश आंबेडकर जी करणार नाही. अजित पवार मुख्यमंत्री व्हावेत अशी कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे असं सुनील तटकरे म्हणाले त्यावेळी संजय राऊतांनी म्हटले की अजित पवार मुख्यमंत्री आमची इच्छा आहे तसंही 31 डिसेंबर नंतर जागा खाली होणार. संजय राऊतची उद्धव ठाकरे सोडून सगळ्यांनी मुख्यमंत्री बनण्याची इच्छा आहे तर त्याची खाट टाकण्यासाठी तो तिथे बसलाय आणि 31 डिसेंबरच्या ह्या अशा तारखा खूप ऐकल्या आहेत रे. कधी फेब्रुवारीला सरकार पडणार होत नंतर मे मध्ये आलं नंतर अजून 3 महिने मिळाले सरकारला आता 31 डिसेंबर 31 डिसेंबर किंवा 1 तारखेची 2024 ते 1 तारखेची सकाळ संजय राजाराम राऊत आणि आदित्य ठाकरे त्यांच्या घरात बघत नाहीत. ते दिशा सालियांच्या आणि सुशांत सिंगच्या केसमध्ये ना आर्थर रोडच्या सकाळी त्यांना हॅपी न्यू इयर करायला लागेल आदित्य ठाकरेला. विरोध मी ती बातमी पाहिली नाही म्हणून मी बोलू नाही शकत काय बघितले बोले देखिए ऐसा है ना जो दत्ता दलवी जी के ऊपर इनका बहुत प्रेम और बहुत प्यार आ रहा है इनको वो कुछ महीनों के पहले मेरे को खुद मिलने आए थे हमारे जू के घर पे मिले थे और उन्होंने खुद मेरे को कहा था कि ईशान्य मुंबई नॉर्थ ईस्ट के जितने शिवसैनिक है वो सभी ये राजाराम राउत के दोनों बच्चों से परेशान है सब लोग को शिवसेना छोड़ना है क्योंकि ये दो ये उसका आमदार भाई और ये सबको परेशान करके रखा है वही दत्ता दलवी के ऊपर इतना प्रेम आ रहा है ये लोग को अभी हा? यो जो दत्ता दलवी की जो गाड़ी तोड़ी है फोड़ी है मेरे हिसाब से वो यही राजाराम राउत के दोनों बच्चों का कारनामा है उसके लिए दूसरों की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक गाड़ी तोड़ने का गाड़ी फोड़ने का और झूठे केसेस बनाने का सबसे बड़ा इतिहास ये संजय राउत और उसके आजू बाजू के लोगों का है. इसलिए दत्ता दलवी के नाम पे जो चालू है पूरा नौटंकी है बोलते कि नॉर्थ ईस्ट पूरा बंद करके दिखाएंगे. अरे उनके घर के बाहर का रोड पहले बंद करके बताए नॉर्थ ईस्ट तो दूर की बात है और संजय राउत को इतनी हिम्मत है ना नॉर्थ ईस्ट के बारे में या उसके भाई को उसको बोलो संजय पाटिल के जगह खुद खड़ा रहे नॉर्थ ईस्ट में खासदार की के चुनाव के लिए फिर हम लोग देखते हैं क्यों भाग गया उधर से डर लग गया ना फट गई इसलिए भाग गया है पहले खासदार की के लिए खड़ा रह के दिखाए फिर हम उसको हिम्मत देखेंगे उसका क्या है.
अरे बाबा सबसे बड़ा नामर्द ये आज सुबह भांडुप में बैठ के जैकेट पहन के बैठा था, जो दूसरे महिलाओं के ऊपर उनको धमकाने के लिए डराने के लिए वो डॉक्टर महिला के घर के ऊपर दारू की बोतल मारने बोलता है, उनको धमकी का पत्र भेजता है, झूठे केसेस बनाता है, उसने दूसरों को नामर्द बोलना नहीं चाहिए। उसमें इतनी मर्दानगी है ना तो उसने बोल देना चाहिए कि वो डॉक्टर महिला को मैं ही धमकी दे रहा हूं, मैं ही उसके घर पे दारू की बोतल मारने को बोला है, क्या मर्दानगी? बराबर है, उद्धव ठाकरे छोड़ के इनको सबको सीएम बनाना है तो उनका ही बाजार उठा उनको उठाना है ना। जिसका राजनीतिक लव जिहाद हो गया है ना, धर्मांतर हो गया है, उसको सुल्तान मुल्ला दाढ़ी ये सब समझेगा ना, क्योंकि वो हिंदू बचा ही नहीं है। इसलिए हमारे सीएम डीसीएम अगर बाहर राज्यों में जाके लोगों में अगर वोट मांगते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए मांगते रहेंगे, तो इनको मिर्ची क्यों लगती है? इनके ये सीएम जैसे घर पे बैठे रहते नहीं, झूठे गले पे पट्टा लगा के, कुत्ते का नहीं है वो मेडिकल पट्टा लगा के, ऐसे घर पे नहीं बैठते। सबका साथ सबका विकास, ये हमारे सरकार का ब्रीद वाक्य है, सबका विकास होना चाहिए। सिर्फ पुष्टिकरण के राजनीति को हम बढ़ावा देते नहीं है, जिसको जिसका हक है उतना हक उसको मिलना ही चाहिए, मगर हक से बाहर अगर कोई मांगने लगेगा तो उसका हमको विरोध है। उदाहरण मुस्लिम आरक्षण का हमको सीधा सीधा विरोध है, किसी को भी उसके धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं मिल सकता और नहीं मिलेगा ये सरकार है तब तक। इसलिए किसी ने भी उस तरीके ये सारा स्कीम भीम ठीक है, पर मुसलमान समाज ने आरक्षण और रिजर्वेशन की अपेक्षा ये महायुति के सरकार से नहीं करनी चाहिए। देखिए ऐसा है, इनको बिहार में फ्राइडे को दिन छुट्टी दी तो इनको महाविकास आघाड़ी के और लोग कुछ नहीं बोलते, सनातन धर्म को गाली दिया तो इन लोग को कुछ नहीं, इनकी मुंह पे चुप्पी आ जाती है। अभी टीपू सुल्तान को हार पहनाया तभी भी ये लोग को बोलने की इन लोग की हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनको हिंदुत्व और हिंदू धर्म और समाज से ज्यादा अभी इनको सत्ता प्यारी हो चुकी है। इसलिए इनका मैं बार बार जो इनका राजनीतिक धर्मांतर हो चुका है, इसलिए आज जिस टीपू सुल्तान ने लाखों करोड़ों हिंदुओं को मार डाला उसका जब भी कोई जय जयकार कर रहा है तभी उस प्रकाश अंबेडकर जी को रोकने का टोकने का इनमें हिम्मत नहीं है। और प्रकाश अंबेडकर जी ने अगर सही मायनों पे अगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के विचार इस्लाम के ऊपर अगर पड़े रहते तो वो टीपू सुल्तान को कभी हार नहीं पहना। इकतीस दिसंबर की रात और 1 जनवरी 2024 की सुबह ये दोनों तुमको आर्थरेड जोल में दिखेंगे। आदित्य ठाकरे और संजय राजाराम राऊत, आदित्य उद्धव ठाकरे ताकि कंफ्यूजन ना हो, आदित्य उद्धव ठाकरे और मिस आदित्य उद्धव ठाकरे और मिस्टर संजय राजाराम राऊत। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।